वेलकम बैक माई चैनल डिलीशियस फूड बाय सुचित्रा। आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए पक्का आम की आम पापड़ रेसिपी लेकर। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पक्का आम का रस निकल के रखी हूँ और इसे बनाया हुआ आम पापड़ भी। पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारा, मेरे घर में मैंगो आया था, ये देखिए इस मैंगो का मैंने जूस निकल लिया है। इसको छील के इसके अंदर का जो रस है मैंने निकल लिया है। ये देखिए कटोरी में मैंने निकल के रखा है। और इसको मैं कुछ नहीं करना होती है फ्रेंड, बहुत इजी रेसिपी है। इसको जस्ट कढ़ाई पे आपको थोड़ा गाढ़ा कर लेना होती है, थिकनेस आ जाए तो उसको आम पापड़ बन जाती है। ना तो इसमें शुगर डालनी होती है, ना तो सॉल्ट, कुछ भी नहीं। बस पक्का आम तो ऐसे भी मीठा होती है, कभी कभी किसी में थोड़ा सा खट्टापन भी होती है। तो इसको थोड़ा गैस की चूल्हा पे बिठा देना है और इसको गाढ़ा कर लेना है। इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा चले जाए और थोड़ा गाढ़ापन हो जाए। तो इसको ऐसे ही गैस की फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे आप ऐसे पकाते रहना होती है। आपको पता चल जाएगा थोड़ा थिकनेस आने के बाद, गाढ़ापन आने के बाद। इसको एक प्लेट में आपको थोड़ा पहले से रेडी करके रखना होती है, सरसों का तेल लगा के एक प्लेट में, तो उसमें आप लोग बना सकते हो। और न्यू फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे इजीस्ट रेसिपी के साथ आप लोगों से मिलती रहती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये बन गई है। अब मैं यहाँ पे रेडी करके रखी हूँ दो प्लेट ऑयल लगा के। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये आम पापड़। और इसको आपके घर में अगर धूप आ रही है तो धूप में भी सुखा सकते हो, एक दो दिन में सूख जाएंगे। अगर धूप नहीं आ रही है तो गैस की चूल्हा के नीचे, जहाँ पे आप खाना बनाते हो उसके नीचे रख देना, ये अपने आप ही सूख जाती है। तो ये देखिए मेरा ये सूख गई है, मैंने गैस की चूल्हा के नीचे रखी थी, एक दिन में ही सूख जाती है ये। और ये बन के एकदम रेडी है। आप इसको पूरा साल घर में स्टोर करके रख सकते हो। ये देखिए इसका लुक, खाने का मन करेगा आपको भी, जिनको आम पापड़ पसंद है। ये देखिए मैं इसको पलट के भी दिखा रही हूँ, निकल आई है एकदम ऑयल देने से, कहीं नहीं चिपका। मैं ऐसे आम पापड़ बना के पूरा साल के लिए स्टोर करके रखती हूँ। आप लोग भी, आम तो रोज़ रोज़ नहीं मिलती है, आम की सीज़न कुछ दिन बाद ही ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे आम पापड़ बना के रख सकते हो। बच्चे इसको बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सजा के आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा बनी है। तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।